हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 14, पेरीमीटर एंड एरिया। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। कोई भी शेप अगर हमें गिवन है, उसकी अगर जितनी भी साइड है उनको हम ऐड कर लें तो उनका जो टोटल होता है वो कहलाता है उसका पेरीमीटर। जैसे एक एग्जांपल अभी हम देखते हैं, जैसे यहाँ हमें एक ये ट्रायंगल गिवन है, अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसकी जो तीनों साइड है, जैसे ये वाली साइड है 10 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 10 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज़ आल्सो 10 सेंटीमीटर, जब हम तीनों साइड का सम कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, 10 प्लस ये वाली साइड भी कितनी है 10 और ये वाली साइड भी है 10, तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो 10 प्लस 10 कितना होता है 20 एंड 20 प्लस 10 इज 30, तो यहाँ पर हमारा जो पेरीमीटर है वो कितना होगा 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम कोई भी जो हमें गिवन फिगर है, जो भी हमें गिवन शेप है, उसकी अगर सारी साइड्स को प्लस कर दें तो हमें उसका पेरीमीटर पता चल जाता है। सो एक्सरसाइज 14, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर्स। हमें ये जो फिगर्स गिवन है इनका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो भी साइड्स हैं उनको प्लस कर देंगे। तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, फिर ये वाली साइड है 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, फिर से 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और ये वाली 10 सेंटीमीटर। यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया था तो हमें यहीं तक का काउंट करना है। अब इन सारी साइड को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो हम इस तरह से पेरीमीटर लिखकर इसकी जो भी गिवन साइड्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। 7 के अंदर 9 प्लस करेंगे, 7 प्लस 9 कितना होता है 16, फिर 16 के अंदर फिर से 7 प्लस करेंगे तो 23, 23 प्लस 7 30, 30 प्लस 8 38, और 38 में 10 प्लस करेंगे तो 48 एंड 48 प्लस 7 इज 55 और 55 में जब 10 प्लस करोगे और तो कितना आएगा 65। तो इसका आंसर क्या आएगा 65 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें ये साइड्स, देखो क्वेश्चन में हमें साइड्स कैसे गिवन थी, सेंटीमीटर में गिवन थी, इसीलिए जब हम इन सारी साइड को प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वाले फिगर का जो पेरीमीटर है वो है 65 सेंटीमीटर। अब सेकंड वाला फिगर देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखो। देखो यहाँ पर हमें इसकी अलग अलग जो साइड्स गिवन है उनको प्लस करना है, तो हम क्या कर देंगे 5 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना, तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, फिर 9 में वापस हम प्लस करेंगे 5, 9 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, देन 14 में फिर से प्लस करेंगे 5 तो वो हो जाएगा 19, 19 में प्लस करेंगे 4, 19 प्लस 4 23, 23 में प्लस करेंगे 5 तो होगा 28 और 28 में वापस हमें क्या प्लस करना है 10, तो ये हो जाएगा 38। यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया था तो यहीं तक हमें ऐड करना है, तो ये हो गया 38, मतलब इसका पेरीमीटर कितना निकलेगा 38 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये थर्ड वाला जो दिया है, यहाँ पर इसकी जो सारी साइड्स हैं ये सब सेम है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। तो जब ऐसे कोई फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है सेम होती है, तो हम इनको प्लस करने की जगह क्या करते हैं, सीधा इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर टोटल कितनी साइड है 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, मतलब 7 × 4, 7 × 4 कितना होता है 7 × 4 = 28 होता है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 28 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी सारी साइड्स लिखकर इसको ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 38 सेंटीमीटर। और सी वाले के अंदर क्योंकि वो क्या है रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप में क्या होता है सारी साइड बराबर होती है, तो जितनी साइड थी उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 × 4 करा तो कितना आया 28 सेंटीमीटर। सो सी वाले फिगर का जो पेरीमीटर है वो है 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल शेप. हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है. अब रेक्टेंगल में आपने आपकी पिछली क्लास फोर्थ क्लास में पढ़ा था कि लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो हमें यह गिवन है कि लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है. अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2, फिर ऐसे ब्रैकेट बना के उसके अंदर लिखते हैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ठीक है, यहाँ पर देखो हमें गिवन है लेंथ भी और ब्रेड्थ भी. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर जो हमें लेंथ और ब्रेड्थ की जो वैल्यू दे रखी है उसको इसके अंदर लिख लेंगे. तो देखो ये 2 तो ऐसे कैसे लिखेंगे, है ना, ये वाला 2 ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे. अब L मतलब लेंथ, हमें लेंथ कितनी गिवन है 30, तो ये हम लिख लेंगे 30, फिर प्लस, फिर क्या गिवन है यहाँ पर ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ हमें कितनी है 48 दे रखी है, तो इसको लिख लेंगे. अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में हमें गिवन है नंबर उसको सॉल्व करना है. तो 30 और 48 को हम प्लस करेंगे, तो 30 और 48 को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 78. ठीक है, कितना आएगा इन दोनों को प्लस करने पर 78 आएगा. अब ये जो बाहर ऐसे 2 लिख रखा है इसके बीच में तो कुछ प्लस माइनस नहीं लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का. तो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा इस 78 से. जब इस 2 को 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 156. ये क्या हो गया, पेरीमीटर रेक्टेंगल का, और आगे हम इसकी यूनिट लिख लेंगे सेंटीमीटर. तो इसी तरह से हमें बाकी जो गिवन है उसको भी सॉल्व करना है. इसी फॉर्मूला को यूज़ करके बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. बी पार्ट, यहाँ पर हमें लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 34 सेंटीमीटर. तो इसको फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 लेंथ की जगह पर हम लिख लेंगे 20 प्लस, और ब्रेड्थ की जगह पर क्या लिख लेंगे 34. अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पहले ब्रैकेट वाला चीज़ सॉल्व करनी होती है, तो 20 के अंदर 34 को हम प्लस कर देंगे, तो 20 और 34 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 54. फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 इंटू 54 मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 2 इंटू 54 मल्टीप्लाई करोगे, ये आप खुद करके देखोगे मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आएगा 108, और यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर. तो इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या आया है 108 सेंटीमीटर. अगला सी वाला देखो, लेंथ 60 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर है, तो वैसे ही फॉर्मूला में रखेंगे 2, फिर ब्रैकेट बना के लेंथ की जगह कित क्या लिख लेंगे 60, फिर प्लस, और ब्रेड्थ कितनी है 20. अब इसको सॉल्व करेंगे, या 2 ऐसे कैसे लिखेंगे, 2 इंटू फिर 60 और 20 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 60 और 20 होता है 80. अब हमें 80 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है, 80 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 160, और यहाँ पर क्या लिखेंगे सेंटीमीटर. फिर इसका डी पार्ट देखो, लेंथ हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ गिवन है 12 सेंटीमीटर. अब तो आपको सॉल्व करना आ गया है, लेंथ की जगह पर 30 लिखोगे और ब्रेड्थ की जगह पर क्या लिखोगे 12. प्लस कर दो इसको, 30 और 12 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 42. अब इस 42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करके देखोगे आप तो कितना आएगा 84. तो इसका आंसर होगा 84 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेगुलर शेप्स विद द हेल्प ऑफ फार्मूला. देखो रेगुलर शेप्स, आपको पता है रेगुलर शेप में अपन क्या करते हैं, इनका जब पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है तो जितनी भी साइड होती है उनको गिन के उस जो भी हमें मेजरमेंट गिवन है, लेंथ गिवन होती है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे देखो यहाँ पर साइड कितनी गिवन है हमें 14, और टोटल कितनी साइड्स हैं ऐसी 1, 2, 3, तो हम इस 14 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो होगा इसका पेरीमीटर. वैसे ही अगर ये वाला देखो, अभी सेकंड वाली शेप देखो, तो इसकी साइड हमें गिवन है 6, और कितनी साइड्स हैं टोटल
वन टू थ्री फोर, मतलब हम सिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही ये थर्ड वाला देखो, तो इसके अंदर हमें साइड कितनी गिवन है, सिक्स सेंटीमीटर है ना, साइड की लेंथ कितनी है सिक्स सेंटीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब इस सिक्स सेंटीमीटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। इस वाले में देखो ये कितना गिवन, साइड की लेंथ कितनी है, नाइन सेंटीमीटर है, और टोटल साइड कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब हम नाइन सेंटीमीटर को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। इसको कॉपी में किस तरह से लिखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, साइड थी हमारी 14 और टोटल कितनी नंबर ऑफ साइड्स थी, 3 थी, इसीलिए तो हम इसको लिखेंगे 14 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर। फिर सेकंड वाले में देखेंगे, तो साइड की लेंथ थी 6 सेंटीमीटर और टोटल नंबर ऑफ साइड थी 4, तो 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 सेंटीमीटर आएगा। सी वाला देखोगे तो इसके अंदर हमारी लेंथ कितनी थी, 6 थी, और कितनी साइड थी, टोटल नंबर ऑफ साइड्स 6 थी, तो 6 इंटू 6 36 होता है। डी वाला पार्ट, यहाँ पर हमें लेंथ गिवन थी 9 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी, 5, तो 9 इंटू 5 जब हमने किया तो आंसर कितना आएगा, 45 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विजय हैज ड्रॉन रेक्टेंगल ऑन द ग्राफ, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। विजय जो है उसने ग्राफ पर ऐसे एक ही रेक्टेंगल बनाया है ना, इस रेक्टेंगल की क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, तो ये इसके सामने वाली अपोजिट साइड भी 3 है, तो इस रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर आपको पता है, अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया था इसका, तो हमें इसकी लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2, लेंथ कितनी है, लेंथ है 5 और ब्रेड्थ है 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 करेंगे तो 5 प्लस 3 कितना होता है, 8। अब हम इस 8 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 2 8 is 16, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो हमें गिवन है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेंथ कितनी गिवन है हमें, 5, तो यहाँ लिख लेंगे 5 इंटू, ब्रेड्थ कितनी गिवन है, 3, तो इसको कर देंगे 5 इंटू 3, 5 3 जा कितना होता है, 5 3 जा 15, तो यहाँ लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस गिवन रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर और एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड whose length and breadth are 25 meter and 30 meter respectively। हमें एक rectangular field का area find out करना है जिसकी length है 25 centimeter और breadth है 30 meter। तो देखो area का formula क्या होता है, area of rectangle होता है length into breadth, तो हम length की जगह पर लिख लेंगे 25 और breadth की जगह पर लिख लेंगे 30, और इस 25 को 30 से multiply करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 750, तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया है 750 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, अ रेक्टेंगल शेप टॉवेल हैज लेंथ ऑफ 125 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 60 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल की शेप में एक टॉवेल है जिसकी लेंथ है 125 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 60 सेंटीमीटर, हमें उस टॉवेल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो हाँ यहाँ हम जो इसका फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, उसके अंदर लेंथ की जगह पे लिखेंगे 125 और ब्रेड्थ की जगह पे क्या लिखेंगे,
60. तो इसको जब हम प्लस करेंगे 125 में 60 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 185. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा हमारा 370 सेंटीमीटर. ये है उस टॉवल का पेरीमीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. अ फेंसिंग हैज़ टू बी डन आउटसाइड अ फील्ड विच इज स्क्वायर शेप. फेंसिंग क्या होती है? देखो चार दीवारी जो होती है ना किसी भी फील्ड की, उसके ऊपर जो वायरिंग करी जाती है वो क्या कहलाती है? उसकी फेंसिंग कहलाती है. तो एक स्क्वायर की शेप में कोई फील्ड है उसकी फेंसिंग करनी है. स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल हो. लेंथ ऑफ वायर यूज फॉर फेंसिंग इज 260 मीटर. तो जब उसकी चार दीवारी, जैसे मान लो ये हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसकी जो ये चार दीवारी मतलब इसकी ये जो बॉर्डर्स हैं इसके ऊपर अपने को कोई वायरिंग लगानी है, तो उसकी वायरिंग लगाने में टोटल कितना वायर चाहिए? 260 मीटर. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इसकी साइड फाइंड आउट, हमें तो टोटल दे दिया है कि चारों को मिला के ये होता है, हमें बताना है कि एक साइड जो है वो कितनी है. देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 × साइड, क्योंकि उसमें स्क्वायर की चार साइड होती है और चारों साइड क्या होती है? बराबर होती है. तो इसका फॉर्मूला होता है 4 × साइड. हमें पेरीमीटर गिवन है 260 मीटर. तो हम जब इस पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसकी साइड पता चल जाएगी. हमें पेरीमीटर 260 दिया हुआ है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से. डिवाइड करना आपको आता है, इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 65. मतलब इस स्क्वायर की जो साइड है वो है 65 मीटर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट. लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ फ्लोर ऑफ अ रूम इज 8 मीटर एंड 7 मीटर रेस्पेक्टिवली. जब फ्लोर जो कमरा है, कमरे की जो फ्लोर है, जमीन है, उसका लेंथ कितनी है? 8 मीटर और ब्रेड्थ है 7 मीटर. मतलब वो कौन सी शेप में हुआ? रेक्टेंगल शेप में हुआ. अ कारपेट इज लेड डाउन ऑन द फ्लोर विच कवर ऑल द फ्लोर. उस कमरे में क्या किया करा जा रहा है? एक कारपेट बिछा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं जो कि पूरे फ्लोर को कवर कर लेती है. हमें उस कारपेट का एरिया फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ब्रेड गिवन है, मतलब रेक्टेंगल शेप है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड. तो देखो लेंथ हमें 8 मीटर गिवन है और ब्रेड हमें 7 मीटर गिवन है. एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड. लेंथ की जगह पे लिख लेंगे 8 और ब्रेड की जगह पे क्या लिखेंगे? 7. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 8 × 7 सा कितना होता है? 8 × 7 सा 56. तो इसका एरिया होगा 56 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप स्टोन हुज साइड इज 60 सेंटीमीटर. एक स्टोन है, पत्थर है, जिस जो कौन सी शेप में? स्क्वायर की शेप में, और उसकी साइड है 60 सेंटीमीटर. हमें उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का? 4 × साइड. हमें साइड गिवन है 60 सेंटीमीटर, तो हम 60 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से. तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा. 4 × 60 करोगे तो आएगा 240. तो इसका स्टोन का जो पेरीमीटर है वो है 240 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. टू कंप्लीट 2 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड देव वॉक्स 40 मीटर देन फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड. देव एक स्क्वायर शेप का फील्ड है, उसके 2 चक्कर लगाता है. कितने चक्कर लगाएगा? 2 चक्कर. 2 कंप्लीट राउंड लगा रहा है तो वो कितना चलता है? 40 मीटर चलता है. 2 चक्कर लगाने के लिए 40 चल रहा है, तो 1 चक्कर लगाने के लिए कितना चलेगा? 1 राउंड लगाने के लिए 40 का आधा. 40 का आधा कितना होता है? 20. तो जो 20 है ये उस स्क्वायर फील्ड का क्या है? पेरीमीटर. हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी है. देखो 2 राउंड्स लगाएगा तो कितना 40 मीटर चलेगा, तो 1 राउंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 1 राउंड लगाने के लिए वो 40 का आधा कितना होता है? 20 मीटर. तो वो 1 राउंड में 20 मीटर डिस्टेंस चलता है. अब वो स्क्वायर फील्ड में चल रहा है तो स्क्वायर फील्ड मतलब क्या होगा? उसका पेरीमीटर बाउंड्री पे ही तो चलते हैं, है ना? तो उसके पेरीमीटर पे वो चल रहा होता है. तो हम उसके ये जो है ये 20 मीटर ये स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर है, तो हम इससे साइड निकाल सकते हैं. जब हम पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसकी साइड मिल जाएगी. तो 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे
तो 4 की टेबल में 20 कब आता है? 5 टाइम्स आता है, तो इसकी साइड कितनी होगी? 5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड हुज एरिया इज 81 मीटर। देखो यहाँ जो ये क्वेश्चन गिवन है ये आपके कोर्स का नहीं है, आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो हायर क्लासेस में आता है, तो ये वाला क्वेश्चन कॉपी में आपको नहीं करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड हुज साइड इज़ 1.5 मीटर। यहाँ पर हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी साइड हमें गिवन है। सो फॉर्मूला जो है स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए, वो फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मीन्स आपको साइड को फिर से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स साइड इनटू साइड। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर इट मीन्स जो हमें साइड गिवन है उसको हम फिर से उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें साइड गिवन है 1.5 मीटर, तो 1.5 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, 2.25 मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारे स्क्वायर का एरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इफ रमेश कंप्लीट्स इट्स 2 राउंड्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। नंबर 14, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इफ रमेश कंप्लीट्स इट्स 2 राउंड्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। रमेश एक स्क्वायर फील्ड का डिस्टेंस कवर करता है जो कि है 60 मीटर। 60 मीटर डिस्टेंस वो 2 राउंड में कवर करता है, सो 1 राउंड का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से, हाफ कर देंगे इसका, तो 60 का हाफ कितना होता है, 30 मीटर। तो रमेश एक राउंड काटने के लिए 30 मीटर डिस्टेंस चलता है, तो ये उसका हो जाएगा पेरीमीटर। देन हमें फाइंड आउट करना है उसका एरिया। सो 2 राउंड इज इक्वल्स टू 60 मीटर, इसका हाफ करेंगे तो 1 राउंड मिल जाएगा हमें 30 मीटर, जो कि इसका पेरीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर होगा 30 मीटर। फिर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। अब हमने यहाँ पेरीमीटर निकाला है, साइड तो हमारे पास है नहीं, तो हमें साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पेरीमीटर आपको पता है स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 × साइड, इट मीन्स इस पेरीमीटर को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसकी साइड मिल जाएगी। सो जब 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी साइड जो है 7.5 सेंटीमीटर वो हमें मिल जाएगी। अब इसका एरिया हमें निकालना है, तो 7.5 को हम 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 56.25। ये है इसका एरिया 56.25 मीटर स्क्वायर। ये लास्ट में जो यूनिट लिखी जाती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें इसको लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, टू कंप्लीट 2 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड अजय ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर, देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ फील्ड। ये अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 किया है उसी तरह से है, तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद सॉल्व करोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये भी दोनों आपके होमवर्क है, ये सेम उसी तरह के क्वेश्चन है जैसे हमने अभी करे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है, बाकी के 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, जस्ट डू इट योरसेल्फ। थैंक यू।